आखिरकार हरियाणा कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट देर रात जारी हो गई। कांग्रेस लिस्ट जारी होते ही बयानों की बौछार भी शुरू हो गई है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस की लिस्ट पर तंज कसा और वीरेंद्र सिंह को लेकर भी कई जुबानी हमले किए, तो वहीं कंवरपाल गुर्जर ने कुमारी शैलजा के बयान पर भी पलटवार किया। हरियाणा कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट का इंतजार जितना कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को था, उससे कहीं ज़्यादा हरियाणा भाजपा नेताओं में भी था। देर रात हरियाणा कांग्रेस प्रत्याशियों की 8 लिस्ट के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। इस लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम भी शामिल हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस लिस्ट पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि आखिरकार कांग्रेस प्रत्याशियों की आपसी मनमुटाव और वाद विवाद के बाद लिस्ट जारी हो गई है। बृजेंद्र सिंह का टिकट काटने पर भी कंवरपाल गुर्जर ने बृजेंद्र सिंह को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बृजेंद्र सिंह ने हमेशा व्यक्तिगत और पारिवारिक राजनीति की है, इससे जितना उनको लाभ हुआ है उतना ही नुकसान भी हुआ है। बहुत अच्छी बात है। देखिए अभी नॉमिनेशन शुरू होने वाला और अब कांग्रेस की अगर उनकी इतनी बड़े वाद विवाद के बाद, इतने बड़े आपस में मनमुटाव के बाद अब अगर लिस्ट जारी होगी तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। लिस्ट तो जारी होनी थी, आज ना जारी करते तो मैं समझता हूँ कि 6 तारीख से पहले तो जारी करनी पड़ती उनको, तो आज जारी की अच्छी बात है। उनका अपना विषय है पार्टी का, कि अपनी पार्टी का मामला है कि वो किसको ज़्यादा महत्व देते हैं, तो वो तो उनका अपना विषय है। देखिए चौधरी बीरेंद्र सिंह की राजनीति जो रही ना जी, वो ऐसी पारिवारिक राजनीति, व्यक्तिवादी राजनीति रही है और उस पर उन्होंने सारी उम्र काम किया। अब कई बार उसके फायदे भी जाएं, कई बार नुकसान भी जाएं, तो दोनों ही साइड होते हैं। सर फिर कंवरपाल गुर्जर ने कुमारी शैलजा के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें कुमारी शैलजा ने कहा कि बीजेपी अंबाला में 10 काम गिनवा कर दिखाए। इस पर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अगर वह सामने आए तो मैं उनको काम गिनवा दूंगा। मैं कुमारी शैलजा को 10 क्या 100 कामों की लिस्ट भी दे सकता हूं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने फिलहाल गुरुग्राम सीट पर प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस की पहली लिस्ट में कई बड़े चेहरों का टिकट कट गया है और इस लिस्ट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा साफ नजर आ रहा है। देखिए अगर तो आपने गणवाने फिर तो मैं गणवा दूंगा, अगर वही कह रही तो फिर तो वह सामने आवा तब गणवाऊंगा। कौन कौन से गणवाने? 10 नहीं, 10 तो एक के कॉन्स्टिट्यूंसी में गणवाओ, जमुनानगर में क्यों गणवाओ 10? नहीं अंबाला मेरी नहीं, लोकसभा में नहीं कह रहा मैं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में गणवाओ। जैसे जैसे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहीं के 10 कहोगे 10 गणवाओ जी, वहाँ क्या क्या करा हमने, जैसे हमने मंडी बनाई, जैसे हमने यहाँ का हॉस्पिटल बनाया, जैसे खिदराबाद का हॉस्पिटल बनाया, जैसे ITI बनाई, जैसे कॉलेज बनवाए, पूरे इसमें 5 कॉलेज बनवाए, इतनी हमने ITI बनाई, तो ये सारे मार से पूछो, हमने मेडिकल कॉलेज बनाया, तो 10 उन काम ऐसे करने चाहिए कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी 10 बड़े काम गणवाओ। मैं छोटे नहीं कह रहा, गलिया नहीं कह रहा मैं, 10 बड़े काम जो कम से कम 10-10 करोड़ के आसपास, 8-8 करोड़ के, 5-5 करोड़ के, 20-20 करोड़ के, 100-100 करोड़ के हों, ऐसे 10 कामों को वो कहे कि गणवावा, तो फिर अब 10-10 काम एक कॉन्स्टिट्यूंसी गणवाएंगे। और अगर लोकसभा के गणवाने तो फिर मुझे सूची मंगानी पड़ेगी, फिर मैं 100 गणवाऊंगा, 10 तो नहीं।